ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट अगेन द सेम चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 7.4 एंड वी विल स्टार्ट विद नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा देखिए व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 7th बेटा। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्टेड क्रिकेट टीम, हमें एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। अब बेटा देखिए फ्रॉम 17 प्लेयर्स मेरे पास हो गए, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स जो है कैन बॉल, हमारे पास आउट ऑफ 17 प्लेयर्स 5 जो है वो बॉलर्स हैं। ओके, इफ ईच टीम कंसिस्ट ऑफ, मुझे जो टीम बनानी है उसमें क्या है, 11 कैंडिडेट्स होने चाहिए। इफ ईच टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, यानी जो टीम बनानी है उसमें 4 जो है वो बॉलर होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। लेकिन जो 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं वो कितने में से सेलेक्ट करने हैं, 5 में से, यानी पहली ये कंडीशन है ना मेरे पास, दैट मींस आउट ऑफ 5 आई हैव टू सेलेक्ट 4 एट ए टाइम। ओके जी, मेरे पास 11 में से 4 सेलेक्ट हो गए, कितने रह गए, 7। अब मैंने 7 को सेलेक्ट करना है, कितने प्लेयर में से सेलेक्ट करना है, 12 में से। क्यों? क्योंकि 17 में से 5 चले गए, नॉन बॉलर्स मेरे पास बेटा कितने रह गए, दैट इज 12। अब 12 में से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं, 7, तो दैट मींस 12C7। ओके, अब इनको कोई रेंज थोड़ा करना है, मुझे क्या बनाना है, सिर्फ टीम ही बनानी है, तो अपने आप सेलेक्ट होंगे। क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी की? चलिए बेटा कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। हाँ जी, रीड इट एंड टेल मी हाउ टू डू, ट्राई टू रीड। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 6 रेड। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड कैन बी सिलेक्टेड। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काव्या बेटा, वेरी गुड। 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C3, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम चूज अ प्रोग्राम ऑफ, जो गए 5 कोर्सेज मेरे पास हो गए और दिया क्या हुआ है मुझे, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्सेज है मेरे पास आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट मेरे पास जो है, 2 कोर्सेज जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। तो अब बेटा देखिए, और मुझे सिलेक्ट कितने करने थे, 5, 5 में से 2 कंपल्सरी है वो तो निकल गए, यानी कितने सिलेक्ट करने, 3। 9 में से भी तो 2 कंपल्सरी है ना, तो वो भी क्या रह गए, 7 रह गए, यानी 7C3। 9 कोर्सेज थे, 2 कंपल्सरी है, 2 निकल गए, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 7। 5 करने थे मैंने बट 2 तो कंपल्सरी है वो तो निकल ही गए बेटा, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 3, तो दैट्स व्हाई 7C3। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? लास्ट बॉय, पे अटेंशन बेटा। ओके बेटा, चलूं आगे? चलिए बेटा नेक्स्ट। अब मिसलेनियस एग्जांपल, अब पता क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमने
चीजें ज्यादा हैं, सिलेक्शन करनी अलग अलग और फिर उनको अरेंज, फिर अरेंज भी करना हो, क्या करना है, अरेंज भी करना। तो उसके लिए बेटा देखिए मेरे पास क्या है, लेट अस सी मिसलेनियस एग्जांपल्स। फर्स्टली हाँ जी बेटा, अब मिसलेनियस एग्जांपल में मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिए बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ये एग्जांपल 20th है बेटा, ईच ऑफ थ्री वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट मेरे पास हो गए, थ्री वॉवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूम। अब सबसे पहले तो मैं देखूं मेरे पास वॉवल्स कितने, आई ओ यू ई, बाकी क्या बचे, कॉन्सोनेंट, एन वी एल टी। ओके बेटा, अब आप खुद सोचिए मेरे पास हो गए वॉवल्स ज्यादा है, मैंने क्या करने है, सिलेक्ट कम करने है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, सिलेक्ट कितने कम करने, और फिर बाद में अरेंज भी करना है। कल जैसा क्वेश्चन हो गया ना जो मैंने एक्स्ट्रा बोला था कि ऐसे भी हो सकता है, तो जब भी ऐसे हो पहले सिलेक्शन करनी है, फिर कंबाइन सिलेक्शन जो है अरेंजमेंट करनी है कंबाइन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बॉयज और गर्ल्स, 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, मैंने सिलेक्शन करनी है 2 बॉयज की 2 गर्ल्स की, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूं, उनके बाद उनकी पेयरिंग या उनको अरेंज करना है, सिटिंग प्लान देना है। मैं ये नहीं कर सकती कि मेरे पास 10 बॉयज है या 10 गर्ल्स है तो 10P2 या 5P2, दैट इज रॉन्ग। वो इसका मतलब बॉयज बॉयज को अरेंज कर दिया, गर्ल्स गर्ल्स को अरेंज कर दिया, दैट इज रॉन्ग। जब मैंने अरेंज करना है मैंने चारों को इकट्ठा सिटिंग प्लान देना है, तो फिर पहले सिलेक्शन मतलब पहले सिर्फ सिलेक्शन मतलब टीम बनाएंगे कॉम्बिनेशन की हेल्प से, फिर चारों के चारों को अरेंज करेंगे। बात समझ आई सबको? तो उसके लिए बेटा कैसे करेंगे, अब देखिए हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, 4C3 सिलेक्शन होगी वॉवल की, साथ में कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 4, सिलेक्शन किसकी करनी, 2 की, तो 4C2 इनटू मेरे पास हो, अब 4 सिलेक्ट हो गए, 5 सिलेक्ट हो गए, 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, अब 5 के 5 को अरेंज करना है, 5 ही है, 5 के 5 को अरेंज करना है, ये तो 5P5 लगा दो, ये सिंपल 5 फैक्टोरियल भी तो लगा सकते हो, बात समझ आई, तो यू कैन राइट 5 फैक्टोरियल, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। सबको क्लियर हुआ, कल भी हमने डिस्कशन की थी इस चीज को, चलू आगे बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए एग्जाम्पल, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज मेरे पास हो गए, एग्जाम्पल 21st, एक ग्रुप में मेरे पास बेटा 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इफ अ टीम हैज, मेरे पास तो नो गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए और सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन में यूज क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, ये पता चल गया। चलो आशीष मेरा बेटा बताओ कैसे कर सकते हैं, अगर नो गर्ल, जस्ट थिंक ओवर इट, मैं चाहती हूँ कोई गर्ल ना आए, इसका मतलब अगर कोई गर्ल ना आए तो क्या होना चाहिए,
बॉयज होने चाहिए। कितने बॉयज सेलेक्ट करने फिर? फाइव ना, क्योंकि फाइव, अब कोई नहीं बोलेगा लेट हर टू स्पीक। फाइव है कितने मेरे पास? सेवन, तो क्या लगेगा? सेवन सी फाइव, पता चला ना। तो दैट मीन्स पहले पार्ट का आंसर सेवन सी मेरे पास हो गए फाइव। ओके जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसने क्या कहा? एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। अब उसने कहा कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो होना ही चाहिए, यानी अगर मैंने फाइव जो है सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास सेकंड पार्ट में केसेस बन जाएंगे बेटा। कैसे? मैं इधर बॉयज का लिखती हूँ, इधर गर्ल्स का लिखती हूँ। मैं मिनिमम बॉयज से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैंने वन बॉयज सेलेक्ट किया फाइव टीम मेंबर पर्सन बनाने के लिए, फोर, टू बॉय तो थ्री, हाँ जी थ्री बॉय टू, अगर फोर बॉय, मैं फाइव बॉय सेलेक्ट कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जीरो बॉय हो, जीरो गर्ल हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम एक गर्ल तो चाहिए थी। अब ये केसेस बन गए, है ना? ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है, या खुद मन से आ रहा है ना ये, यानी इन सब के नंबर ऑफ वेज निकाल के क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। खुद ही पता चल जाता है ऐड करना के मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इन दोनों को, इसके वेज को और इसके वेज को? क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे, कोई सब केस तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास हो गए यहां पर नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले बॉयज कितने हैं? सेवन, सेवन सी वन इंटू मेरे पास फोर सी फोर। नेक्स्ट मेरे पास हो गए सेवन सी टू इंटू मेरे पास फोर सी थ्री, फिर सेवन सी थ्री इंटू फोर सी टू, सेवन सी फोर इंटू फोर सी वन। अब इन सबको क्या कर दोगे बेटा? ऐड कर दो, दैट यू गेट द टोटल नंबर ऑफ बेस। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, यस समृद्धि बेटा, यस समृद्धि, आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग। समृद्धि, ओके यू कैन आस्क बेटा लेटर ऑन एज योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स। अब एवरीबॉडी डू दैट पार्ट, हरी अप, कम से कम थ्री गर्ल्स होनी चाहिए। ट्राई एंड मेक केसेस, हरी अप, ट्राई एंड मेक केसेस। एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, at least three girls। ek minute, manna did she turn now? very good, two hi cases banenge, three girls or two boys or four girl one boy, kyunki five girls ho hi nahi sakti, kyun? why? because hai maximum four girls, to hum le hi nahi sakte। okay beta, क्लियर? आगे तो बना लोगे ना, मींस बेसिकली ये लास्ट टू केसेस जो है मेरे पास, सॉरी फर्स्ट टू केसेस ऐड होने, ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट टू केसेस ऐड होने। चले बेटा आगे,
श्योर, चलिए नेक्स्ट बेटा। मेरे पास जो है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके साथ के इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, आप किसी भी बुक में देखोगे ना, वहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन होगा रैंक का। अब ये रैंक क्या होता है? जैसे आपके रिजल्ट की हम पोजीशंस निकालते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? रैंक ही होता है ना। जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकंड रैंक। लेकिन वर्ड्स में रैंकिंग क्या होती है, डिक्शनरी में रैंकिंग क्या होती है, उसमें रैंकिंग क्या होती है? मान लीजिए आपके पास ना कोई भी अल्फाबेट्स है, मैं अपने ही नाम का लेती हूं, RITU। आप डिक्शनरी कभी, मतलब आप लोगों ने तो फिर देखी होगी, आने वाली जनरेशन डिक्शनरी देखेगी नहीं, क्योंकि वो वर्ड मीनिंग देखना होता है ना, तो गूगल बाबा जी जिंदाबाद बोलते हैं, हाँ जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो आप लोगों ने तो फिर छोटे होते कभी डिक्शनरी खोली होगी मुझे लगता है। तो उसमें जब आप डिक्शनरी खोलते हो ना, एक ऑर्डर चलता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास दो ई, एक दो ए, एक एस है, तो आप क्या करते हो, पहले वर्ड, पहला वर्ड आएगा दो ए वाला, दो ई वाला, और एंड में एस वाला। फिर पीछे से ऑर्डर चेंज होता है ना, पीछे से होता है ना। मीन्स पहला वर्ड उसका चाहे कोई मीनिंग है या नहीं है, फर्स्ट वर्ड दिस, फिर क्या होता है, एस इधर जाता है, ई इधर आता है ना। फिर लास्ट थ्री वर्ड्स की पोजीशन चेंज, फिर लास्ट फोर वर्ड्स की, ऐसे ही वर्ड्स बनाते जाते हैं। तो अगर मेरे पास एक आई, एक यू, एक आर, एक टी अल्फाबेट है, और अगर मैं इनसे वर्ड्स बनाऊं विद और विदाउट मीनिंग, कोई भी बनता है, तो मुझे ये बताना है कि मेरे नाम की पोजीशन वो क्या है। तो वो क्या होगा, उसका रैंक होगा। ओके मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे। सबसे पहला काम, आपको जो भी दिया ना उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, RITU में सबसे पहले, वैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आना चाहिए, आई, उसके बाद फिर टी, फिर यू। ABCD आती है ना सबको, यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब हमें वर्ड आर से शुरू करना है, हमें उसकी पोजीशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी आई से कितने वर्ड्स बनते। आई से बनने फोर लेटर ही है ना, एक फिक्स कर दिया, ये चला गया। अब क्या रह गया, तीन, और थ्री के थ्री को प्लेस करना है, यानी आई वाले कितने वर्ड्स होंगे, थ्री फैक्टोरियल यानी सिक्स होंगे क्या, नहीं, यहाँ अरेंजमेंट है ना, तो इसीलिए सीधा ही थ्री पी थ्री, थ्री फैक्टोरियल हुआ। अब अगला ऑर्डर में क्या आता है, आर। अब आर फिक्स कर दिया, मुझे चाहिए था, आर फिक्स कर दिया, आई नीड इट, है ना। अब ऑर्डर में देखो, अगर आर चला गया, दोबारा क्या आ रहा है, आई, मुझे चाहिए, मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे आर के बाद आई चाहिए था। ये दोनों मैच कर गए, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है डिक्शनरी में। आगे फिर शुरू से आना चाहिए था टी, आई नीड इट, आ गया। फिर क्या रह गया, यू, यानी अगर इन वर्ड्स को लेके मैं जितने भी वर्ड्स बनते हैं बनाऊं ना, तो रितु वर्ड की रैंकिंग पता क्या होगी, सेवेंथ रैंकिंग। कोई और बनाए, ठीक है, जितना क्वेश्चन दो तीन करोगे तभी समझ आता है, पहली बार में नहीं समझ आता ये। लेट अस डू, चलो बैंक वर्ड लेते हैं, लेट अस सी बैंक। आपको ये वर्ड दिया है, मैंने इसकी बताना है कि ये कौन सी रैंक पे है, ठीक है, किस पे है, कौन से रैंक पे है। सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, क्या क्या आएगा, ए बी के एन, आ गया जी। सबसे पहले मैंने
क्योंकि बी तो तभी आएगा ना जब उससे पहले ए वाले सारे वर्ड्स निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे बी से वर्ड की रैंकिंग वाला वर्ड चाहिए, तो पहले ए वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं ए के तो डायरेक्टली निकाल दूं। मैंने ए फिक्स करके मेरा क्या आया, 3 फैक्टोरियल। ए वाले वर्ड्स कितने हो गए, 6। ये बात समझ आई? ठीक है, अब अगला वर्ड बी। मुझे चाहिए, काटना तभी है जब मुझे चाहिए, अदरवाइज नहीं काटना। देखो ए वाला मैंने काटा कोई नहीं, मैंने बी की पोजीशन मुझे चाहिए था, मेरी फिक्स हो गई। बी की पोजीशन फिक्स होगी ना, क्योंकि मुझे इसी का, ये तो क्रॉस ही लग गया। जब तुम किसी चीज को क्रॉस लगा रहे हो, दोबारा ऑर्डर में चलना है। यहां गलती करते हैं बच्चे। अब ए, ए मुझे चाहिए था, लगा दिया, ये भी क्रॉस हो गया। अब दोबारा फिर ऑर्डर पे कैसे ही चलना ना, मुझे के नहीं चाहिए था, तो मतलब मेरे पास 2 पोजीशंस है ना। के एन वाला जब एक दो होता है ना, तो तुम ये तो फिक्स ही हो गया, जिसपे क्रॉस लगाया उसको नहीं हिलाना। या तो के एन आ सकता है या एन के। कई बच्चे इसी पे 2 फैक्टोरियल कर देते हैं कि 2 है 2 को करना है, तो वो बैंक वर्ड इसी में आ गया ना। आया कि नहीं आया, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, यानी बैंक वर्ड की पोजीशन क्या होगी, ये 6 हो गए, 7 8। समझ आई? अच्छा यहां पर कोई रेपिटेशन वाला कोई चक्कर नहीं था। अब कोई एक वर्ड लेते हैं जिसमें रेपिटेशन आए, ठीक है, कौन सा ले, छोटा सा लेना पहले। लेट अस डू। हाँ जी मैडम, चलो जी मैडम का ले लेते हैं। लीजिए, मुझे मैडम वर्ड की रैंकिंग निकालनी है। रैंक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड मैडम। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रही हूं। पहला काम ऑर्डर में लिखना, पहला काम ऑर्डर में लिखना। ए ए डी एम ओके, स्टार्ट करें। पहला केस स्टार्टिंग विद ए। ए फिक्स कर दिया, कितने रह गए बेटा, 4। 1 2 3 4, 4 के 4 सेलेक्ट करने। बट 2 M क्या हो रहे हैं, रिपीट। हमने कल भी किया, रेपिटेशन हो, जितने रिपीट है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, कॉन्सेप्ट वही है बेटा। ओके, तो कितने केसेस हो गए, 4 3 2, और 2 फैक्टोरियल कट गए, 12 वर्ड्स आ गए ए से यूज होते। अब इस ए को नहीं लेना, ये सेम ही है ना, मैं इस ए से वर्ड सेलेक्ट कर लूं या इस ए से कर दूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, ए ने तो ए ही रहना है। ठीक है, ये गलती होती है यहां पर बच्चों। अब मैं किससे स्टार्ट करूंगी, डी से। अब मैंने डी फिक्स किया, फिक्स नहीं मतलब पहली पोजीशन पे ले है। मुझे डी वाला चाहिए नहीं, मैंने कब तक चलना है, जब तक क्या नहीं आता, एम नहीं है। ये चला गया, कितने वर्ड्स हैं, 4। रेपिटेशन किसकी है, 2A 2M, यानी कितना आ जाएगा, 6। 6 वर्ड्स आ गए, बात समझ आई? अब आगे क्या आया मेरे पास, एम। तो मैंने स्टार्ट किया एम से बेटा, और एम मुझे नीड था, थी ना, मैंने काट दिया, मैंने टिक कर दिया कि अब मैं इस एम को यूज नहीं कर सकती। ठीक है जी, आना दोबारा साइक्लिक ऑर्डर में, इस एम पे नहीं पहुंचना। जब तुम क्रॉस लगा रहे हो ना, तो दोबारा कहां पर जाना है, साइक्लिंग ऑर्डर पे। तो फर्स्ट पे कितने वर्ड्स रह गए, 4। ए है और ए ही मुझे चाहिए, काट दो इसको भी, ए फिक्स कर दिया, हो गया ना। अब दोबारा आऊं मैं ए पे, ये मेरे फिक्स हो गए, अब मुझे ए चाहिए तो नहीं था ना, तो कितने वेज है, 1 2 3, किसी की रिपीट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, 3 फैक्टोरियल यानी 6 वे।
समझ आई मेरी बात? अब फिर से मेरे पास जो है ए के बाद, अभी मैंने कोई काटा तो नहीं ना, अब डी, डी मुझे चाहिए, टिक लगाओ काटो, यानी मैंने एम ए डी फिक्स कर दिया। जब डी फिक्स किया दोबारा से कहां आना था, ए, मुझे ए फिर चाहिए, एम चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर बन गया। व्हाट मैडम, आप रैंकिंग देखे इसकी कितनी है, 12 + 12 = 24, 25th रैंक है। उससे पहले वर्ड गए ना 24, ये तो 25th पोजीशन पे ही आना है ना। बात समझ आई? बहुत इजी है, मजा आता है ये क्वेश्चन करने। हाँ बिल्कुल, जितने हो गए उसे अगली पोजीशन पे ही जाएंगे ना, सब अपने अपने नाम की जो है घर से रैंकिंग निकाल के आना। ओके, फाइंड द रैंक ऑफ योर नेम, देखना कौन से रैंक में आता है। ओके चलिए अब मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। ये एक्स्ट्रा मैंने मतलब एक लेआउट आपको समझा दिया, अब अगला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके लेट अस डू एग्जांपल। अभी हमने जो किया ना, मैंने एक वर्ड की रैंकिंग निकाल ली। मेरे एग्जांपल में पता क्या है, उसने मुझे रैंक दे दिया, वर्ड निकालो उल्टा दे दिया। ठीक है, करना तो वैसे ही है ना। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखिए। एग्जाम्पल 22, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। पहले तो ये बताइए, वेरी इजी, कौन बताएगा? चल बेटा ध्रुव, मैं ही दोबारा क्वेश्चन बोलूंगी तो फिर पहले ही सुनना है ना। फाइंड द नंबर ऑफ words that can be made with these alphabets. मैंने रैंक तो पूछा ही नहीं, मैंने नंबर ऑफ वेज पूछा बेटा, नंबर ऑफ वेज, उसमें तो असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। अभी इतने क्वेश्चन हमने नंबर ऑफ वेज से किए, क्या करें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 factorial by 2 factorial हो जाएगा ना, नंबर ऑफ वेज निकल आए। अब व्हाट इज रिटन देयर, अब उसने कहा फाइंड द, पहला पार्ट हो गया, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन जो है एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। वो कह रहा कि अगर मैं इसको डिक्शनरी में लिखती हूं या लिखता हूं तो 50th वर्ड क्या होगा। अब वो ध्यान से देखिए, मैंने अब साइक्लिक ऑर्डर में ए ए आई पहले आता जी, फिर आई, फिर एन। अब मैं स्टार्ट करने लगी, ए फिक्स किया, कितने वर्ड हो गए मेरे पास, 4। यहां पर 4 फैक्टोरियल कोई रिपीट नहीं, यहां पर कितना हो गया 24। मैंने 50th वर्ड लिखना है, अभी तो 24th पे है, है ना। अगला ए नहीं ना लिखूंगी, जी से, हाँ जी, जी चला गया, कितने हैं 4, बट 2 ए रिपीट है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 12। अगला बेटा आई, आई से भी ये हो गए 24 + 12 + 12 कितने हो गए 48। यानी अगला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, एन से होगा, एन से हुआ, फिर क्या आएगा डबल ए जी आई, ये कौन सा वर्ड है, हमने कौन सा लिखना है, क्या बनेगा। ओके जी, पीछे से चेंज करती है ना, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट यू कैन आस्क मी। हाँ मैंने कोई कैंसलिंग की नहीं यहां, मैंने क्या कैंसलिंग की,